स्टार प्लस के धमाकेदार सीरियल गुम है किसी के प्यार में ने लोगों का खूब दिल जीता है। आयशा सिंह, ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट स्टारर गुम है किसी के प्यार में लगातार ऐसे ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं जिसने लोगों के एक्साइटमेंट को भी बढ़ा कर रख दिया है। बीते दिन भी गुम है किसी के प्यार में दिखाया गया कि पाखी विराट पर वीर नायक का एडमिशन सभी के स्कूल में कराने पर भड़कती है। इतना ही नहीं, वो सई को लेकर भी नाराजगी जाहिर करती है, लेकिन विराट उसकी एक सुनने को तैयार नहीं होता। हालांकि गुम है किसी के प्यार में आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। गुम है किसी के प्यार में आगे दिखाया जाएगा कि विराट पाकी से कहेगा कि उसका स्कूल अच्छा है और इसलिए ही वो चाहता है कि विनायक उस स्कूल में पढ़े। ऐसे में पत्र लेखा उसे ताना मारती है कि तुम्हें पहले ये चीजें समझ में नहीं आई। पाकी विराट पर विनायक की जिंदगी बर्बाद करने का भी आरोप लगाती है। वहीं जब विनायक उससे सभी के स्कूल में एडमिशन की बात करने आता है तो पाकी उस पर भी चिल्ला पड़ती है। तुम्हें किसी के प्यार में आगे दिखाया जाएगा कि पाखी सई को कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। इतना ही नहीं, वो वहाँ उसे कनकवली वापस जाने के लिए भी कहेगी। वो सई से कहेगी कि सभी का सारा खर्चा उठाने के लिए वो तैयार है, लेकिन बस वो उसे यहाँ से दूर ले जाए। हालांकि तभी वहाँ पर विराट पहुँच जाता है और दोनों की बातें सुन लेता है। एंटरटेनमेंट से भरपूर गुम में किसी के प्यार में आगे दिखाया जाएगा कि सई गुस्से में चव्हाण निवास आती है और विराट पर भड़कते हुए कहती है कि अगर आपको सभी को सच बताना है तो बता दीजिए, लेकिन ये भी बताना होगा कि उसके बाबा ने किसी तीसरी के लिए उसकी आय को छोड़ दिया था। इसके साथ ही वो विराट पर पाबंदियां लगाती है कि वो सभी से केवल एक ही दिन मिल सकता है, वो भी वीकेंड पर। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।